हमारे ट्रेन का भी टाइमिंग हो गया था, 10:05 में हमारा ट्रेन है। तो हाँ, जल्दी जल्दी सब कुछ हम लोगों ने पैकिंग कर लिया है, सारा सामान वगैरह, घर के लिए भी कुछ कुछ लेना था। अब बाकी जो रसगुल्ला है उसको ट्रेन में जाके ट्राई कर लेंगे, स्टेशन पहुंच के बाकी का बात करते हैं। तुम एक काम करो, तुम चाबी और हेलमेट देके आओ, मैं नीचे चला जाता हूँ, ठीक है? तो देख लो, हम लोग होटल से अपना निकले थे 5 मिनट पहले, यही होता है स्टेशन के सामने में होटल। पता नहीं महीने में कितने बार हम लोग ये वाले स्टेशन से ट्रेन लेते हैं, जितना हावड़ा से नहीं लेते हैं उतना यहाँ से लेते हैं। सही बात, हम लोग हावड़ा से बहुत अभी कम ही लिए हैं, शालीमार, सियालदा, यही सबसे ले रहे हैं ट्रेन। बाकी एक काम करते हैं, अपने कोच पे बैठते थे, वो गरीब रथ का मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया हुआ है, और ये रसगुल्ला भी है साथ में, ओडिशा का रसगुल्ला। उड़ीसा के लोग कुछ और बोलते हैं, रसगुल्ला, क्या रसगुल्ला, हिंदी में होता है रसगुल्ला, रसगुल्ला। अपना जो ट्रेन है वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर करेगा। चलो एक चीज अच्छा हुआ, इतना भागा दौड़ी करके आए, 9:30 बजे तक स्टेशन में पहुंच भी गए हैं। और जो अपना कोच है ना, एकदम स्टेशन के अंदर एंटर करते एकदम फ्रंट वाला ही कोच है, लेकिन एक चीज है, जहाँ पहुंचेंगे वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। सत्रागाछी उतरेंगे, हाँ, सत्रागाछी से थोड़ा सा पैदल चले जाएंगे। चलो चलते हैं कोच के अंदर, शालीमार नहीं जाएंगे। लाइट क्यों नहीं चलाता यार, लाइट ही नहीं दिया है हम लोग का, लगेज झुका दो। तो अभी तो पूरा अंधेरा है ट्रेन के अंदर, वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है, जब लाइट आएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ अपना सीट। बहुत ही वाहियात सीट मिला है हमें। अपने कोच में तो आ गए हैं, और ये कोच में अलग सा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक जर्नी किया था गरीब रथ में, और हमें सीट पता है कौन सा मिला है, ये मिडिल वाला, 23 और 24 हमारा है, ये मिडिल वाला और ये ऊपर वाला। तो हाँ, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला गरीब रथ में आकर, जब मैं लास्ट टाइम जर्नी किया था, कि हाँ बीच वाला भी एक सीट होता है। अभी देखो हमें वही वाला सीट ही मिल गया है, और ऊपर से कांच भी उतना साफ नहीं है, जो बाहर का मैं कुछ व्यूज भी दिखा। इंदौर का भी ट्रिप बाकी है यार। हाँ, इंदौर का भी ट्रिप बाकी है, वो घुमा देगा बोला है इंदौर में। आज भी उतना साफ नहीं है जो मैं आपको बाहर का कुछ नजारा दिखा पाऊंगा। सीट भी एकदम अजीबो गरीब सा मिला है, रात भर का जर्नी है, पूरा ओवरनाइट जर्नी है ये, देख लो यही है अभी तो। नीचे वाला जो सीट है उसका अगर तुम चेंज करने जाओगे नहीं करेगा। ऐसा ऊपर का सीट है, कोई करेगा? नहीं चेंज करेगा। बाकी यही है, ट्रेन का साफ सफाई तो ठीक है, अलग से कुछ क्या ही दिखाऊं मैं, और इतना रात हो गया है, कुछ खाना भी मैं ऑर्डर कर नहीं पाऊंगा। बाकी हाँ, हम लोगों ने तो ये रसगुल्ला, बाकी ये सब खाजा वगैरह भी पैक करवा ही लिया है, यही सब है और कुछ है नहीं। ऑलमोस्ट देखो पेट तो भरा हुआ है। रसगुल्ला ही एकमात्र ऑप्शन है, थोड़ा सा खा लेंगे, थोड़ा बहुत एक एक करके, दो दो करके। छेना पोड़ा हम लोग अपने होटल के फ्रिज में ही छोड़ा है, कोई बात नहीं। तो ये अपना पिलो एंड बेडशीट मिल रहा है अभी। तो भाई अभी देख लो टाइम एग्जैक्ट कितना हो रहा है, 10:08 हो रहा है, और अभी जस्ट हमारा ट्रेन स्टेशन से निकला है, 3 मिनट लेट, 10:05 में यहाँ से इसका निकलने का टाइम था। और विंडो तो भैया इतना गंदा है कि कुछ दिख भी नहीं पाएगा आपको, फिर भी देख लो। वैसे अगर मैं इसके स्टॉप की बात करूँ ना, तो देख लो पूरी से निकलने के बाद इसका जो पहला स्टॉप है वो है खुर्दा रोड में, उसके बाद ये रुकेगा रात के 11:25 में, लगभग 11:30 बजे भुवनेश्वर, फिर लगभग 12 बजे आ जाएगा कटक, 12:52 में जजपुर, 1:45 बजे आ जाएगा भद्रक, 2:30 बजे के आसपास आएगा बालेश्वर, सुबह 4:25 में आएगा खड़गपुर, उसके बाद एकदम लंबा स्ट्रेच, और ये पहुंच जाएगा लगभग 6 बजे संतरागाछी। हमारा संतरागाछी में ही उतरने का प्लान है, कि यहाँ से बहुत कन्वीनियंट रहेगा ये, कोलकाता शालीमार हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। कोलकाता शालीमार क्यों है पता नहीं, तो हावड़ा शालीमार होगा ना, पता नहीं क्यों बोलते हैं कोलकाता शालीमार, पता नहीं इसका नाम कोलकाता शालीमार क्यों है, ये तो हावड़ा शालीमार ही होगा ये हम सफर। तो देख लो जो मैं वाहिया सीट की बात कर रहा था, ये वही मिला है हमें, मिडिल वाला और ये अपर वाला। भाई इतना टिकट मैंने बुक किया, इतना गंदा सीट कभी नहीं मिला मुझे, सच में यार ऐसा टिकट कभी नहीं मिला भाई। ये अगर वो वाला होता, नॉर्मल वाला बुकिंग होता तो ठीक था, सबसे मांगता है वो साइड वाला, मिडिल वाला देखे। रात में तो कुछ भी मैंने व्लॉग नहीं किया, अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, सुबह का 5:46, और हमारा जो घर है यहाँ से मैक्स टू मैक्स 30 किलोमीटर होगा, बड़ा ही अजीब सा जर्नी था, लेकिन कैसा जर्नी था पता ही नहीं चला, सो गए थे यहाँ, मेरे को मालूम नहीं यहाँ कैसे सोए थे, नहीं अच्छा नहीं था, बहुत अनकंफर्टेबल, ऊपर ठीक था, इसका कुशन भी अच्छा है, इसका कुशन भी अच्छा नहीं है, ऊपर चले जा रहे हैं। छोटा सा जर्नी था पता नहीं चला, बड़ा जर्नी में ना बैंड बज जाएगा, इसीलिए बड़ा जर्नी में शायद ये सब होता भी नहीं होगा क्या।
वैसे तो जो हमारा बुकिंग है ना वो शालीमार स्टेशन तक का है, लेकिन हम लोग वहाँ तक जाएंगे नहीं, वहाँ पे उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो वही मनमानी रेट में आना पड़ेगा कैब वालों का। तो इसीलिए हम लोग एक स्टेशन पहले उतर जाएंगे जो कि है सांतरागाछी। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं सांतरागाछी। मेरे सामने लगा हुआ है धौली एक्सप्रेस, 9:15 में इसका टाइमिंग है शालीमार से, तो अभी कार्डस्टेड में है। और एक मजे की बात मालूम है क्या है, एक बार भी हमारा टिकट चेक नहीं हुआ, मतलब कोई टिकट चेक करने के लिए आया ही नहीं। चलो यहाँ से जाते हैं, ओवरब्रिज ले लेते हैं, अपना ट्रेन यहीं पर रुकेगा कहीं पर, यहाँ से कैब कर लेंगे या फिर लोकल ट्रेन भी ले लेंगे, देखते हैं ऊपर जाके क्या सीन है। हाँ जी, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं घर आया, और आकर तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, मम्मी भी घर पे नहीं थी, मम्मी भी स्कूल के लिए गई हुई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी आई है, और आते ही सारा लंच वगैरह भी बना ली है। और मम्मी रेडी हो ना नेक्स्ट ट्रिप के लिए? हाँ बेटा, क्योंकि अब नेक्स्ट ट्रिप मम्मी के साथ ही होने वाला है, इसीलिए मम्मी इतने दिन से ट्रिप नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं प्लान किया था मम्मी के साथ एक ही बार एक बड़ा सा ट्रिप करूंगा। और यहाँ पे देख लो कौन आया है, बुग्गी। हम लोग अभी खाना टेबल पे लग चुका है, और बहुत दिनों बाद घर का खाना खा रहा हूँ मैं। अभी एक काम करता हूँ, मैं तसल्ली से एकदम आराम से घर का खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। खाना पीना अपना हो गया है कम्प्लीट, अभी मैं कर रहा हूँ अपना एडिटिंग, और मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे शेड्यूल में आने का, मतलब जो वीडियो है 10:45 तक में लाने का। देखो कब तक मैं आता हूँ टाइम पे, क्योंकि इसके बाद मुझे एक लंबे ट्रिप के लिए भी निकलना है, इसके लिए टाइम पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे। और रहा बात मेरे इस जर्नी का, तो देखा होगा आपने काफी छोटा सा वीडियो था ये। अब ये छोटा होने का रीजन क्या था मैं बता देता हूँ, क्योंकि गरीब रथ पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो अलग से उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं आपको दिखाऊं, इसलिए मैंने कुछ भी उतना ज्यादा दिखाया नहीं। अगर आपको पूरे गरीब रथ का अच्छा सा एक वीडियो देखना है, तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मोहित भाई ये आई बटन होता क्या है, कभी लिंक मिलता नहीं है, तो मैं बता दूं वीडियो के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक आई जैसा ऑप्शन बना रहता है, अगर आप फुल स्क्रीन पे देख रहे हो तो। छोटे स्क्रीन पे भी दिखता है शायद, राइट या लेफ्ट में, अगर वहां आप क्लिक करोगे ना तो वहां पे आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा, तो वही होता है आई बटन। और बाकी अगर मैं अपने जर्नी का बात करूं, तो भाई काफी सिंपल बेसिक नॉर्मल सा जर्नी था, रात का जर्नी होता ही कैसा है, बस सो के ही सारा जर्नी खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे केस में क्या था ना, मुझे मिल गया था साइड मिडिल वाला सीट। भाई मिडिल वाला सीट तो वैसे ही होता है एकदम खतरनाक सा सीट, पता नहीं मिडिल वाला सीट किसको ही पसंद होगा, लेकिन हाँ जिसको एसी उसी का हवा से बचना होता है वो लोग प्रेफर करते हैं उनको मिडिल वाला सीट मिल जाए। लेकिन साइड मिडिल भाई, आप समझो इस साइड का 3, इस साइड का 3 और इस साइड का भी 3, वो बीच में मैं सोया हुआ था छोटे से जगह में। भाई साहब सिंपली बोलूं तो मेरा पूरा रात बर्बाद हो गया, नींद तो एक प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं, कभी सो रहा हूं कभी उठ रहा हूं, कभी सो रहा हूं कभी उठ रहा हूं, एकदम पतला सा कुशन तो एकदम ना के बराबर। बाकी तो खैर कोई नहीं, घर पहुंच गया आराम से, और छोटा सा जर्नी था इसलिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी हो गया, नहीं तो भाई वो सीट के साथ तो मैं टिकट अपना कैंसिल ही कर लूं। लेकिन फिर भी हाँ, जा सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम ही ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आराम से जा सकते हो। बाकी चलो अभी तो अपने घर आ गया हूँ मैं, अभी घर का ही खाना पीना मस्त एकदम चलेगा। और ये देखो तब से क्या ये लुंगी पहन के घूम रही है, ये क्या पहनी हुई है, इधर आ। तो यहाँ बुग्गी भी आ गई है, तो एक काम करते हैं बुग्गी के साथ ही ये वीडियो को एंड कर देते हैं। तो अगर यहाँ तक ये वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बोलो सब्सक्राइब कर देना। बेचारी को कुछ समझ ही में नहीं आता, मामा क्या ही काम करवा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तो हाँ सब्सक्राइब कर देना आप लोग। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कैमरा ढक दो, अरे कैमरा कैमरा ये है ढक दो, इधर है कैमरा, वो ऊपर मत ढको। हाँ हाँ।